कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है ऋषभ पंत की टक्कर में। पंत ने गुजरात के खिलाफ उड़ाया गर्दा, मार मार के गेंदबाजों का बनाया भरता। आईपीएल 2024 में गेंदबाजों की जमकर धुलाई हो रही है और बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो रही है। इसी बीच भारत की टी20 वर्ल्ड कप की टीम के ऑडिशन भी चल रहे हैं, जिसमें कई युवा खिलाड़ी दमदार खेल दिखा रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत की फॉर्म कमाल की रही है। पंत अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं और विरोधी टीमों का बुरा हाल कर रहे हैं। ऋषभ पंत ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया। पंत ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफानी पारी खेली और सिर्फ 43 गेंदों में ही नॉट आउट 88 रन ठोक कर महफिल लूट ली। पंत ने अपनी इस धमाकेदार पारी से टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह भी पक्की कर ली है। इतना ही नहीं, अपनी इस पारी के दौरान पंत ने एक ही ओवर में 31 रन भी बटोर लिए। बताएंगे आपको कैसे पंत ने अपने आक्रामक अंदाज दिखाए और कैसे उन्होंने गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी, इस बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल की चैंपियन। मैदान पर दिखा पंत का आतंक। गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही, उसने जल्दी ही अपने 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की वाट लगा दी। एक तरफ से ऋषभ पंत ने रन बरसाए तो दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने अपने तूफानी तेवर दिखाए। पटेल ने भी इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, लेकिन मेला तो लूट कर ले गए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। पंत ने सिर्फ 43 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से नॉट आउट 88 रन जड़ दिए। लेकिन पंत की पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में 31 रन बटोर लिए और दिल्ली की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हुए दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 224 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की तूफानी पारी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों का सामना किया और इसमें उन्होंने नॉट आउट 88 रन बनाए। ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी में चौके से ज्यादा छक्के लगाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पारी में जहां 5 चौके लगाए तो वहीं उनके बल्ले से 8 शानदार छक्के भी देखने को मिले। इस दौरान ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट रहा 204.65 का। ऋषभ पंत ने एक ओवर में बटोरे 31 रन। गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऋषभ पंत ने दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में रौद्र रूप दिखाया और मोहित शर्मा के इस ओवर में ऋषभ पंत ने 31 रन बटोर लिए। इस ओवर की पहली गेंद की बात करें तो ऋषभ पंत ने पहले छक्का लगाया, फिर चौका और इसके बाद उन्होंने आखिरी की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इस ओवर में ऋषभ पंत ने 31 रन ठोक डाले और आखिरी ओवर में इनके इस जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 224 रनों का स्कोर खड़ा किया। मोहित शर्मा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 73 रन लुटाए तो वहीं ऋषभ पंत ने सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों में नॉट आउट 88 रन बनाए। ऋषभ पंत ने अपनी इस तूफानी पारी से यह दिखा दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसी तैयारी में वो आईपीएल में तूफानी पारियां खेल रहे हैं और विरोधी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी? क्या ऋषभ पंत एंड कंपनी पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।